hospitality and tourism. So our topic is meaning and concept of marketing management. Now what is marketing? आज के सिनेरियो में सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को भी मालूम है कि मार्केटिंग क्या है, किसी भी चीज़ को बेचना, दैट मीन्स मार्केटिंग. पर किस वे में बेचना, किस तरीके से बेचना, किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं उसको बेचने के, तो वो सारी चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इधर एक डेफिनेशन है दैट इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट. मतलब मार्केट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, किस किस वे में उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कह सकते हैं. नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट में टोटल चार तरीके के टर्म्स है. देयर आर फोर टर्म्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज मार्केट, सेकेंड वन इज कस्टमर्स, थर्ड वन इज मार्केटर और सेलर, एंड फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केटिंग. नाउ फर्स्ट वन इज मार्केट. मार्केट एक ऐसी जगह है, इट्स नॉट अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया. ठीक है, मार्केट एक ऐसी जगह है जो हम फिजिकली भी जाके वो चीज़ को बाई कर सकते हैं या बेच सकते हैं. दूसरा सेकंड वन है ऑनलाइन मार्केटिंग. ठीक है, तो कई तरीके के मार्केटिंग होते हैं, वो एक पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं है. ठीक है, तो उसका कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता है. सेकेंड टर्म है कस्टमर्स. कस्टमर्स को हम सीकर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं. क्यों? कस्टमर क्या है, कहाँ जाएगा, वो उसी चीज़ के पीछे जाएगा जो चीज़ उसको सेटिस्फाई करेगी. और कौन उसको सेटिस्फेक्शन देगा, तो मार्केटर या तो सेलर, इसको हम बोल सकते हैं प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये हो गया सीकर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, और मार्केटर और सेलर हो गया प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो चीज़ों को बेचता है और वही चीज़ों को बेचता है जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, और लास्ट वन है मार्केटिंग. ये सारी चीज़ों को जो भी हम करते हैं, बेचते हैं, मतलब बनाने से लेके बेचने तक, बेचने के बाद जो सारी एक्टिविटीज होती है उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट. ठीक है ना, उसके बाद है व्हाट इज मार्केट. मार्केट क्या है? सो ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स who share common needs and wants. वो सारे कस्टमर्स जो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उनकी जो नीड्स है, उनके जो वॉन्ट्स है, वो शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जाके अपन बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, भैया हमें ये चीज़ दिखाओ. वो क्या हुई, हमारी इच्छा वो चीज़ खरीदने की, और हमारी नीड्स की, हमें वो चीज़ चाहिए. तो वो जो वॉन्ट्स है, वो नीड्स है, वो जो मार्केट में जाके शेयर करता है. ठीक है, तो वो एक कहाँ पे जाके शेयर करता है, वो मार्केट में कौन करता है, कस्टमर करता है. ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पे कस्टमर खुद की वॉन्ट्स, खुद की नीड्स जाके शेयर करता है, उसको हम मार्केट बोल सकते हैं. अनदर, हु हैव एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट आर कंसीडर्ड ए मार्केट. दूसरी चीज क्या है कि उसको इच्छा है खरीदने की, सबको इच्छा होती है ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खरीदने की, पर सबकी वो इच्छा है. ठीक है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वो जो वॉन्ट है वो कम्प्लीटली पूरी हो. ठीक है, तो वो चीज़ खरीदने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, और वो परचेजिंग पावर भी आपके अंदर होना चाहिए जो मार्केट कंसीडर करता है. जो चीज़ मार्केट कंसीडर करता है, मतलब कोई पर्टिकुलर अभी नया कोई भी जो मॉडल है, ठीक है, मार्केट में कार का वो आया, ठीक है, तो वो कार आपको खरीदने की आपकी वो इच्छा है. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक कार है, कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपकी एक इच्छा है, तो वो कार खरीदने की आपके अंदर एबिलिटी और आपके अंदर विलिंगनेस पावर भी होना चाहिए. तो ये दोनों चीजें मोस्ट को जहां जिस जगह पे वो शेयर करता है उसको हम मार्केट कहेंगे, और दूसरा हु हैव एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट आर कंसीडर्ड एज अ मार्केट. ठीक है, तो वो क्या होता है, मार्केट जो प्रोडक्ट को कंसीडर करती है उसको खरीदने की एबिलिटी, विलिंगनेस, पावर वो हमें होना चाहिए. बाय द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर का है वो कंज्यूम दी प्रोडक्ट. ओके, बट इट ये दोनों चीजें हैं. अब दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म में अपन देखा जाए तो मार्केट क्या है, तो मार्केट इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्लस परचेजिंग पावर प्लस परचेजिंग नीड्स. अब मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट बना के रख दिया, प्रोडक्ट ला के रख दी, पर किसने ला के रखी, इंसान ने ही ला के रखी. तो
तो उसके लिए वो चीज़ों को खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉपुलेशन अगर होगा तो हमारी चीज़ें बिकेगी, ठीक है। सो पॉपुलेशन प्लस, अकेले पॉपुलेशन से कुछ नहीं होगा, पॉपुलेशन तो है, चलो ग्रुप है, इंसान है, सब लोग हैं, मार्केट भी है, चीज़ें भी है, पर उसको खरीदने का पावर भी हमें होना चाहिए। तो परचेजिंग पावर, पॉपुलेशन प्लस परचेजिंग पावर हमें होनी चाहिए। क्या पावर? उस चीज को खरीदने की पावर। देन परचेजिंग नीड, दूसरी चीज ये होती है कि हम एबल भी, कैपेबल भी होते हैं वो चीज को खरीदने के लिए, मार्केट भी है, वो चीज को हम खरीद भी सकते हैं, पर उस चीज को खरीदने की नीड भी हमें होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज को हम अच्छे से, ताकि हम उसको अच्छे से खरीद सके, या मतलब पॉपुलेशन प्लस परचेसिंग पावर प्लस परचेसिंग नीड्स, उस चीज को खरीदने की नीड्स भी हमें होनी चाहिए। तो ये पूरा हुआ व्हाट इज मार्केट। तो ये भी मैंने दूसरी बार हाईलाइट कर देती हूँ, दैट ऑल पोटेंशियल कस्टमर हु शेयर कॉमन नीड्स एंड वांट्स दैट हैव एबिलिटी विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट। ये दोनों चीजें, और ये मार्केट इक्वल टू पॉपुलेशन प्लस परचेसिंग पावर प्लस परचेसिंग नीड्स, ओके।